वो एवरीवन, सो गाइस दिस इज आवर फिफ्थ पॉडकास्ट विद नन अदर देन माय मेंटर मिस्टर अयाज मोहम्मद एंड आई लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम हिम। एंड गाइस इस पॉडकास्ट में हमने बात करा कि बेसिकली उनकी जो कंपनी है लीड सार्क, उसने कैसे अभी तक 20 करोड़ से प्लस का रेवेन्यू जनरेट कर रखा है इन द लास्ट 1.5 ईयर, उसके पीछे का क्या सक्सेस था। बेसिकली जो अयाज मोहम्मद है वो पहले HR कंसल्टेंट थे, उस टाइम से लेकर फिर उनका जो जर्नी था ऑनलाइन बिजनेस में वो कैसे शिफ्ट हुआ, उन्होंने कौन कौन से कोर्सेस कर रखे हैं, प्लस उनका माइंडसेट कैसा है, प्लस कुछ डीप डाउन मैंने क्वेश्चन पूछे उनसे जो कि आपको काफी ज्यादा हेल्प करने वाले हैं आपकी लाइफ में, प्लस एज अ फाउंडर का क्या माइंडसेट होता है विल टेकिंग डिसीजन, या फिर जब भी उनके माइंड में नेगेटिविटी आती है, जब वो डीमोटिवेट होते हैं, ठीक है, तो उनका माइंडसेट कैसा होता है और वो फिर उस टाइम पे कैसा एक्शन लेते हैं। सो गाइस दिस पॉडकास्ट इज समथिंग व्हिच इज अमेजिंग एंड एब्सोल्युटली फॉर यू, मेक श्योर वॉच टिल द एंड एंड या हैप्पी लर्निंग। बाय। सो हाय एवरीवन, लुक हु इज हियर, नन अदर देन मिस्टर अयाज मोहम्मद, फाउंडर ऑफ लीड सार्क। आई कैन से गाइस बहुत सारे लोगों ने ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि इतनी जल्दी अयाज सर भी आ जाएंगे। वेल गाइस ये जो पॉडकास्ट है कॉन्वर्सेशन में बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल का होने वाला है, एंड यू कैन सी डायरेक्टली इस सर आ रखे हैं यहाँ पे, एंड लाइक या ही इज़ माई मेंटो, आई लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम हिम, एंड मेरे बहुत सारे अमेजिंग क्वेश्चन है अयाज सर से, एंड हम वन बाय वन करके सर से पूछेंगे। बट यस, आप बेसिकली कैसे हैं, कैसा चल रहा है सब कुछ? बहुत अच्छा, थैंक यू, थैंक्स एवरीवन, एंड इट्स प्लेजर टू बी हियर। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, आप बताइए कैसा है, सब कुछ ठीक चल रहा है? सर ऑल गुड सर। ओके सर, मैं नॉर्मल क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ, लाइक एज वी ऑल नो यू आर फाउंडर ऑफ लीड सार्क, बट हु इज अयाज मोहम्मद एक्सेप्ट फाउंडर ऑफ लीड सार्क? अच्छा, मतलब एक्सेप्ट फाउंडर ऑफ लीड सार्क, सो अयाज मोहम्मद इज अ सन, इज अ हस्बैंड, इज अ फादर, so I'm a father of 14 years old son, and I'm a very family man, kind of family person. I love to spend time with my family. Probably that is the reason I'm into online business, because I get enough time to spend with my family, with my wife and with my son. I love to see him playing football, so when he has matches and all I go there. I don't think koi job karte rehte ya business karte rehte to itna freedom ho pata. Right, कोई और बिजनेस में, तो दैट इज द थिंग, सो दैट इज वन ऑफ द रीजन, सो दैट्स मी। आई व्हाट यू से, इफ यू आस्क अबाउट माय इंटरेस्ट, आई लव टू प्ले, आई एम आउटडोर काइंड ऑफ पर्सन, बॉडी देख के लगता नहीं है क्योंकि अब तो टाइम मिलता नहीं है उतना, बट आई एम नॉट अ जिम गोइंग काइंड ऑफ पर्सन। आई लव प्लेइंग आउट, आई एम लाइक आई लव प्लेइंग बैडमिंटन, आई लव प्लेइंग क्रिकेट, बट अब टाइम कहाँ मिलता है, अब तो बैडमिंटन खेलता था मैं कुछ दिनों पहले तक, लेकिन बिजनेस नहीं जाता। ओके, टेल अस अबाउट योर जर्नी सर, लाइक आपने कैसे सब कुछ स्टार्ट हुआ, लाइक आप, मेरे ख्याल से आपके पहले HR कंसल्टेंसी फर्म था मेरे ख्याल से, इजंट इट? या मेरा अपना HR कंसल्टेंसी फर्म था व्हिच वाज देयर फॉर ऑलमोस्ट 14-15 इयर्स एक्चुअली। वाओ, ओके, नॉट 14-15 इयर्स, 2004 टू 16, 12 इयर्स एक्चुअली, सो 12 इयर्स आई वाज रनिंग HR कंसल्टिंग बिफोर गेटिंग इनटू ऑनलाइन बिजनेस। और जैसा बहुत लोग जानते हैं कि मेरा उस बिजनेस में लास्ट में 2-3 साल में बहुत ज़्यादा लॉस हो गया था, आई वॉज अंडर ह्यूज डेप्ट, तो फिर इसलिए मुझे वो कंपनी बंद करना पड़ा, और बहुत सारे डेप्ट थे मेरे ऊपर, क्रेडिट कार्ड ओवर ड्यूज था, सर्विस टैक्स का ओवर ड्यू था, सो दैट्स हाउ आई उसको बंद कर दिया। तो मैं सोचा ऑनलाइन कुछ सीखने की कोशिश कर रहा था, तो मैं पहले ई कॉमर्स ड्रॉप शिपिंग ट्राई किया, अमेजोन FBA भी कर रहा था, मैं सब में आ रहा था, लेकिन उतना ज़्यादा वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था, वो इनकम भी नहीं आ रहा था। एंड देन आई केम टू नो अबाउट एफिलिएट मार्केटिंग एंड आई स्टार्टेड लर्निंग एफिलिएट मार्केटिंग, आई स्टार्टेड डूइंग एफिलिएट मार्केटिंग ऑन माय ओन, एंड देन आई डिसाइडेड टू ट्रेन पीपल, आई स्टार्टेड ट्रेनिंग 2016 ऑनवर्ड्स, आई स्टार्टेड लाइक 2016 एंड ऑनवर्ड्स आई स्टार्टेड ट्रेनिंग पीपल, एंड दैट्स द जर्नी आई गॉट इनटू एफिलिएट मार्केटिंग, एंड देन स्लोली it was lead sark, we started lead sark. okay, and like how this idea came in your mind to launch a company like lead sark? I think because of you guys, right, all those my old team members who were there from our previous platform $25 one up, so I think because of you guys, like you all encouraged me, you all supported me, and that's how we started, because before this we were working for all the platforms which were in US and all. So we decided, like, if we are doing everything, why not to have our own platform based in India?
And that's how we decided. And that time again, lockdown started. And that we gave in a give, like it gave us all of us like enough time to rethink ourselves that what we are doing. And because you can't go outside, bahar kahin jana tha nahi, time to bahut tha apne paas us waqt online business karne ke liye. And that's how we decided ki apna platform launch karna chahiye jahan, aur hamare paas already team members the, already support tha aap sabhi logo ka. And that's how we started. So definitely Leadsack kaise start hua usme mere matlab maximum haath to mere team members ka. जब कुछ आपके पास जब तक प्रॉब्लम आता नहीं आप सोल्यूशन निकालते नहीं है तो पहले हम लोगों ने सोचा कि हम लोग अपना एक कोर्स लॉन्च करेंगे. ये कहीं प्लेटफॉर्म लॉन्च करने का कहीं भी प्लान नहीं था हमारा. कोर्स लॉन्च करेंगे और उस कोर्स को हम लोग वॉरियर प्लस पर रखेंगे. वॉरियर प्लस जो एफिलिएट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है वहां से हम लोगों ने प्लान किया था कि वॉरियर प्लस पे रखा जाएगा और वॉरियर प्लस से वहीं से एफिलिएट होगा ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारे इंडियन टीम मेंबर्स के. बट ऑफ कोर्स हमारा जो स्ट्रेंथ था पहले से जो हमारे पास टीम था वो इंडिया में था. और जब हम लोगों ने पूरा सब कुछ सेट कर दिया, लॉन्च भी होने वाला था, एंड वन आवर बिफोर लॉन्च मतलब वॉरियर प्लस में वन आवर बिफोर लॉन्च वी रियलाइज्ड कि वो ट्रांजेक्शन इंडिया से नहीं हो रहा था. ऐसा नहीं कि इंडियंस नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारा डिफरेंट प्रोसेस चाहिए. Especially if the seller is also in India and buyer is also in India, then there is a huge problem. Because all your international payment gateway, either in India, you have either domestic payment gateway or you have international payment gateway. So if it is international, it has to be from international, right? Or if it is domestic, it has to be. So if we and Warrior Plus accept only international payment gateway, they don't accept domestic or India. So that is where we were facing the challenge, and just 1 hour before we realized it cannot happen and we had to cancel the launch. So of course it was very disappointing. We were not knowing what to do, but then when there is a problem there is always a solution. So that's how when again in I think 4 to 5 hours we decided that leave India Warrior Plus, leave Warrior Plus, let's have our own platform. And that's how we got into, like we started identifying. And I think within 10 days, we launched our first platform. From that Warrior launch, whatever the date was decided, from that day, 10 days, we launched our first platform. Wow. Amazing, sir. Amazing. And क्या उस time पे ये mind में था कि इतना लंबा जाएगा lead साल? Definitely नहीं. Definitely नहीं. अभी क्या 1.5 साल हुआ है, almost around 18, 19 months हुआ है. And we are close to 60,000 affiliates. 60,000. Okay, this I'm first time I'm revealing to you. Okay, so we are touching 60,000 now. Probably tomorrow we'll touch. Okay, so definitely ये तो expect नहीं किया था कि इतना ज़्यादा grow करेगा. जैसे जैसे ग्रो करता गया हम लोग अपने प्लेटफॉर्म को भी डेवलप करते गए और अभी हम लोग डेवलप कर भी रहे हैं और भी करेंगे, राइट. लेकिन जब क्योंकि एक कोर्स हम लोगों ने बनाया था, वन सिंगल कोर्स, उसमें कितना मतलब आई थिंक 16 वीडियोस था, जस्ट 16 वीडियोस, वन सिंगल कोर्स, दैट्स इट, दैट वॉज द प्लान, दैट्स द थिंग. और उससे ही हम लोगों ने प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था. और फर्स्ट सिक्स मंथ मैंने वही हम लोग सिर्फ वही एक कोर्स ही सेल कर रहे थे. ओनली वन सिंगल कोर्स वी वर सेलिंग फॉर द फर्स्ट सिक्स मंथ्स, राइट. नाउ वी हैव ऑलमोस्ट क्लोज टू 12-15 कोर्सेज वी हैव एंड वी आर कमिंग बैक विद अनदर 15-16. लाइक 3.0 यू विल हैव अराउंड 35-30+ कोर्सेज. सो थिंक लाइक दैट. सो दैट इज द काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म. सो वन सिंगल कोर्स वी वर सेलिंग फॉर फर्स्ट सिक्स मंथ्स इफ यू रिमेंबर. एक्चुअली जो पहला हमारा कोर्स था एक तरीके से वो हमारा एमवीपी था, है ना, लॉन्च करने के लिए. तो फिर उसके बाद हमारा स्लोली स्लोली ग्रेजुअली फिर हमारा अच्छे सारे और कुछ सारे. अभी तो हमारे लीडसैक 3.0 आने वाला है डेफिनेटली, उसमें भी और बहुत ज्यादा क्रेजी होगा. वेल सर, एज अ फाउंडर ऑफ अ लीडसार्क, ठीक है, लाइक आप बहुत सारे आर्टिकल्स रीड करते होगे, लाइक नेगेटिव रिव्यूज या फिर हमारी सेल्स जा रही है, डाउन जा रही है, तो उस टाइम पे एज अ फाउंडर का बेसिकली माइंडसेट कैसा होता है और आप कैसा रिएक्ट या फिर कैसा रिस्पॉन्ड करते हो उस टाइम पे? देखिए, नेगेटिविटी को मैं ज्यादा सीरियस लेता नहीं हूँ, ठीक है. मैं लेता था जब मैं एफिलिएट करता था दूसरे प्लेटफॉर्म पे. आपने देखा होगा मैं बहुत रिएक्ट करता था, बहुत ज्यादा वीडियो अगर कोई नेगेटिव बनाया उसको मैं काउंटर भी करता था. लेकिन जब से अपना प्लेटफॉर्म बनाया पता एक मैच्योरिटी लेवल आता है तो मैं अब निगेटिविटी को ज्यादा सीरियस नहीं लेता हूँ. और ऐसा नहीं कि बहुत सारे निगेटिव मुझे, मैं जब प्लेटफॉर्म चेक करता हूँ या मैं कोई भी यूट्यूब चैनल हो या गूगल कहीं भी जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि अगर 2 निगेटिव है तो वहां पे 10 पॉजिटिव भी है हमारा, ठीक है.
लेकिन लोग निगेटिविटी को ज्यादा वैल्यू देते हैं, उनको लगता है कि यही है, एक भी अगर 10 पॉजिटिव है तो उनको लगता है कि ये लोग सब पैसा खा के होंगे, राइट। अगर एक निगेटिव बोलता है मतलब यही सही बोल रहा, तो ये लोगों का माइंडसेट होता है, इसको कुछ चेंज नहीं कर सकते, एंड ऐसे माइंडसेट वो निगेटिव लोग ही उसको बिलीव करते हैं। और यू टॉक अबाउट एनी प्लेटफॉर्म, यू टॉक अबाउट एनी प्रोडक्ट, कि निगेटिव रिव्यू किसका नहीं है, राइट, सभी का निगेटिव होता है, तो निगेटिव लोगों का काम ही वही है। तो अब मैं उन चीज़ों को ज़्यादा सीरियस लेता नहीं हूँ। जहाँ तक सेल्स डाउन होने की बात है, तो अप्स एंड डाउन्स लगा रहता है, अभी हमारा सेल्स लास्ट अगर 3-4 महीने से देखिएगा तो बहुत अच्छा अप है, तो ऊपर नीचे होता है, राइट। कभी इट डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स। हमारा काम यह है कि हम अपने प्रोडक्ट को अच्छे से अच्छा डेवलप करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने हमारे जो टीम मेंबर्स उनको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू ऑफर कर सकें, एंड वी वर्क ऑन दैट। हम लोग कंटिन्यूसली ये काम करते हैं कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू हम लोग अपने टीम मेंबर्स को देते रहें। That is the whole purpose. That's it. Got it, sir. And the suppose करो सर कि भी कोई like ऐसा person जो ना आपको जानता है ना मेरे को जानता है, and वो जानना चाहता है कि exactly leads arc है क्या? So in your words, what exactly leads arc is? See, leads arc is a training course. Leads arc is a platform of training courses. It's a learning platform. ठीक है? आप e-learning करते हैं, कोई भी courses attend करते हैं, तो ये एक platform है जहाँ आपको बहुत सारे courses मिलते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, मेनली रिलेटेड टू ऑनलाइन बिजनेस। लेकिन अगर आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो सिर्फ ओनली टू द कोर नहीं जाता, कोई भी सब्जेक्ट में आप स्पेशलाइजेशन हुई है उसके इन एंड अराउंड भी आपको सीखना पड़ता है, राइट, किसी भी सब्जेक्ट में। तो सेम वे हम लोग एक एक चीज जो आप ऑनलाइन बिजनेस में करते हैं उसकी कोशिश कर रहे हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा हम लोग लर्निंग दे सके। अगर आप इंटरनेट मार्केटिंग या ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं तो उनको क्या क्या लर्निंग की जरूरत है, और सिर्फ बिजनेस प्रोसेस नहीं, उनको पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उनको कम्युनिकेशन स्किल्स भी डेवलप करने की जरूरत है, उनको डिजाइनिंग स्किल चाहिए अगर आपको आज के सोशल मीडिया में मार्केटिंग करना है, तो इन सब चीज़ों को हम लोग फोकस में रखते हैं, इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हैं। एक एक सिंगल चीज़ हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि आपको कैसे ऑनलाइन बिजनेस, आप एक सक्सेसफुल डिजिटल एंटरप्रेन्योर कैसे बन सकते हैं, राइट। तो हमारा फोकस ये है कि आपको हम डिजिटल एंटरप्रेन्योर बनाएं, बस यही इसी चीज़ के बारे, इसी से रिलेटेड सारे ट्रेनिंग कोर्सेज हैं लीड्स आर्क के। सो लीड्स आर्क बहुत लोग सोचते हैं कि लीड्स आर्क एक बिजनेस है, लीड्स आर्क इज नॉट अ बिजनेस, लीड्स आर्क एक ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है, इट्स अ ट्रेनिंग कोर्सेज जहां आपको सीखने को मिलता है। अब ट्रेनिंग कोर्सेज को हम कैसे सेल करेंगे, सभी का सेल करने का स्ट्रैटेजी होता है, हर प्रोडक्ट का अपना अपना एक स्ट्रैटेजी होता है सेल करने का। हम लोग उसको एफिलिएट सिस्टम को हम लोग स्ट्रैटेजी, हम लोग मतलब हमारा जो सेल्स स्ट्रैटेजी है, हम लोग एफिलिएट नेटवर्क यूज करते हैं उसको सेल करने के लिए, राइट। तो हम लोग एक बहुत ही हैंडसम एफिलिएट कमीशन ऑफर करते हैं कि अगर हमारे कोई भी एफिलिएट्स उसको मतलब रेफर करेंगे, सेल करेंगे हमारे प्रोडक्ट को, उनको एक बहुत अच्छा इनकम मिलता है, एंड दैट्स व्हाट वी ऑफर। तो प्रोडक्ट जो है वो हमारा ट्रेनिंग कोर्स है, ट्रेनिंग कोर्सेस। ओके सर, एंड व्हाट इज द विजन ऑफ लीड्स आर्क, लाइक आपका विजन क्या बेसिकली लीड्स आर्क को लेकर, कि लाइक आप लीड्स आर्क को आफ्टर 2 or 3 ईयर कहाँ पे देखते हो, लाइक एग्जैक्टली वो किस नाम से जाना जा रहा होगा? सी लीड्स आर्क तो लीड्स आर्क के नाम से ही जाना जाएगा, ठीक है। हाँ, लेकिन जो हमारा विजन है ये है कि इसको हम लोग बेस्ट ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म बनाएं, कि अगर किसी को मतलब अभी हमारे पास जैसे बहुत से, जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी को डिजिटल बिजनेस से रिलेटेड कोई भी बिजनेस करना है तो उनके दिमाग में फर्स्ट वर्ड आना चाहिए लीड्स आर्क, कि मैं लीड्स आर्क पे जाके ये सीख सकता हूँ, दैट इज द विजन। तो हम भी अभी जैसे मैं 30 कोर्सेज आपको बोल रहा हूँ, कल को 300 कोर्स भी होंगे यहाँ, राइट, 100% राइट। सो इट्स Leads Arc is a training platform and we want to make this number one platform at least in India as of now. Okay, got it sir. And the thing is, because ek point hai basically, like bahut saare log bolte hai ki like this is not actual affiliate marketing like JVZoo, ClickBank, theek hai, like hame basically buy nahi karna padta, hum directly le sakte hain product ko, usko hum refer kar sakte hain, theek hai. So aapka kya point hai, log bolte hai ki jo actually Leads Arc hai ye waisa JVZoo, ClickBank ki tarah nahi hai ye cheez. Okay, right. So देखिए, हम लोग को दो चीज़ अलग अलग लेना पड़ेगा, लर्निंग इज डिफरेंट एंड एफिलिएट मार्केटिंग इज डिफरेंट, ठीक है। Got it. ओके, जब आप मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूँ आपको डॉक्टर बनना, राइट, तो मेडिकल कॉलेज में जो आप पढ़ते हैं दैट इज नॉट इज व्हाट आप बोलिएगा कि मेडिकल प्रोफेशन, इन द सेंस दैट्स योर प्रैक्टिस, दैट्स नॉट योर मेडिकल प्रैक्टिस। मेडिकल प्रैक्टिस आप डॉक्टर बनने के बाद करते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिस करने के लिए आपको वो MBBS 5 साल पढ़ाई करना है, राइट, आपको सीखना है, कोई भी काम करना आपको बिना सीखे आप नहीं कर सकते हैं। जो लोग बोलते हैं कि हम JVZoo पे जाके हम फ्री में कर सकते हैं, एफिलिएट कर सकते हैं, कीजिए, आई डोंट थिंक लीड्स आर्क इज स्टॉपिंग, राइट, तो वो क्यों नहीं कर रहे, राइट। और
अगर मैं क्लिक बैंक की बात करूं, क्लिक बैंक का मैं डेटा बता रहा हूं, ओनली 1.5 to 2% पीपल, 2% एक्चुअली अर्न लाइक एवरी मंथ मोर देन $400, $300 दे अर्न एवरी मंथ. ओनली 1.5 to 2% पीपल. वाई 97% पीपल डोंट अर्न. सेम प्लेटफॉर्म है जहां 1% लोग अगर अर्न कर सकते हैं, 2% लोग अर्न कर सकते हैं, 98% लोग क्यों नहीं अर्न करते? क्योंकि उनको आता नहीं कि कैसे किया जाए. तो ऐसा तो नहीं कि वो एक दिन ख्वाब में सोए रहेंगे और उनका बच एक आशीर्वाद मिलेगा उनको ख्वाब में, और उसका कल होके वो उठेंगे और उनको अचानक से एफिलिएट मार्केटिंग आ जाएगा. ऐसा तो कुछ होता नहीं है. उनको सीखना पड़ेगा, राइट? अब वो कहीं से भी सीख सकते हैं. अगर मैं क्लिक बैंक की बात करूं, क्लिक बैंक की, सो क्लिक बैंक में देर इज अकेडमी प्रोग्राम विच इज कॉल्ड एज क्लिक बैंक यूनिवर्सिटी. ओके ओके. जहां से आप कोर्सेज खरीद सकते हैं, मतलब उनका कोर्सेज है, मल्टीपल प्रोडक्ट है, और वो सीख सकते हैं कि क्लिक बैंक पे कैसे एफिलिएट किया जाए. और फिर क्लिक बैंक के एफिलिएट को आप प्रोडक्ट को आप एफिलिएट कर सकते हैं. तो क्या गलत हो गया? क्लिक बैंक इज नॉट एन एफिलिएट. क्लिक बैंक इज अ प्लेटफॉर्म. प्लेटफॉर्म, ठीक है. क्लिक बैंक इज अ प्लेटफॉर्म. अब क्लिक बैंक या जेवी जू या वॉरियर प्लस, ये सब बहुत पुराना प्लेटफॉर्म और बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, ठीक है. लीड सार्क उनके कंपेरिजन में है भी नहीं और हम लोग कंपेयर करते भी नहीं है, ठीक है. यहां लीड सार्क का इनमें डिफरेंस क्या है कि यहां थर्ड पार्टी सेलर्स आके अपना प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, ठीक है, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट. अब आप एक बात बताइए कि कोई भी प्रोडक्ट, मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, कोई दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाके क्यों लिस्ट करेगा? अगर आप ओके क्लिक बैंक या जेवी जू में अगर जाइएगा, अगर आप एफिलिएट हैं, आप अगर प्रोडक्ट वहां सेलेक्ट कीजिएगा तो वहां आपको बहुत सारे कैटेगरी जाता है, वहां बहुत सारे प्रोडक्ट लिस्टेड है, राइट. उसमें एक कैटेगरी है इंटरनेट मार्केटिंग, ई कॉमर्स, इंटरनेट मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, काइंड ऑफ एक कैटेगरी होगा, ठीक है. आप उस कैटेगरी को ओपन कीजिए, 90% वहां जो प्रोडक्ट होगा वो ट्रेनिंग कोर्सेज है, 90%, राइट. या तो वो ट्रेनिंग कोर्सेज है या सम बिजनेस प्लान है, दिस इज व्हाट इट इज, राइट. तो आप वहां भी वही कोर्स एफिलिएट कर रहे हैं वहां से भी. अगर आप उस कैटेगरी में जाते हैं, पेरेंटिंग कैटेगरी में जाइएगा, क्या होगा? पेरेंटिंग कैटेगरी में क्या होगा? पापा मम्मी थोड़े खरीद के देंगे उनको, राइट. कुछ प्रोडक्ट होगा, मैक्सिमम 90% क्या है, कोर्सेज है, ठीक है. यहाँ ये सब कैटेगरी चलता है, राइट. वेट लॉस प्रोग्राम है, वेट लॉस प्रोग्राम में क्या होगा? कोर्सेज है, राइट. तो आप तो कोर्सेज ही एफिलिएट कर रहे हैं. तो हमारा जो नीश है वो इंटरनेट मार्केटिंग का नीश है, हम लोग भी कोर्स सेल कर रहे हैं. तो एफिलिएट इज सेपरेट एंड दिस इज सेपरेट, ओके. तो लर्निंग आपको सबसे पहले जरूरत है, जो हम आपको लर्निंग देते हैं. और हमारा जो भी कोर्सेज है, 90% कोर्स, यस 10% हमारा कोर्सेज है जो ये सिखाता है कि आप लीड साक के प्रोडक्ट को कैसे सेल करें, बट हमारा 90% कोर्सेज ये है कि जो आप सीख, अगर मैं लीड साक भी सिखाता हूं आपको, तो आप तो सीख रहे हैं सेल करना. आप किसी भी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, राइट. किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं. तो वो आपको सिखाया जाता है. आप जाके क्लिक बैंक के प्रोडक्ट को प्रमोट कीजिए, जेवीजू के प्रोडक्ट को प्रमोट कीजिए. आपको इंटरनेट मार्केटिंग तो सीखना है, राइट. तो वहां भी आप कोर्सेज ही सेल करते हैं. जस्ट बिकॉज ये हमारा अपना कोर्स है तो लोगों को लगता है कि प्रॉब्लम है, राइट. अगर मैं आपको बोलूं, आपने लीड सैक लाइट खरीदा, जो हमारे पुराने लीड सैक लाइट मेंबर होंगे, उन्होंने एक कोर्स खरीदा था, आज वो कितने सारे कोर्सेज बेच रहे हैं. तो ऐसा तो नहीं कि वही कोर्स जो लोग खरीदते उन्हीं को मैं बोल रहा हूं कि नहीं आप वही सेल कर सकते हैं. तो ये लोगों का माइंडसेट है, नेगेटिव बोलना ही है तो बोलना ही है, राइट. तो एफिलिएट मार्केटिंग इसी को बोलते हैं कि आप थर्ड पार्टी प्रोडक्ट को रेफर करते हैं, राइट. तो आप यहां थर्ड पार्टी प्रोडक्ट रेफर कर रहे हैं, लेकिन वो सीखने के लिए, अगर मैं आपको बोल दूं कि आप मेरे कोर्स को बिना परचेस किए आप खरीदिए, सेल कीजिए, तो मेरा भी वही हाल होगा जो क्लिक बैंक का है. 1.5% लोग सेल कर पाएंगे, क्योंकि 98% लोगों को तो पता ही नहीं है. तो मैं वो नहीं करना चाहता हूं. जब आप खुद वो कोर्स चेक नहीं करेंगे कि हमारे प्लेटफॉर्म में है क्या, अगर आप उस प्रोडक्ट को कंज्यूम नहीं करेंगे तो आप सेल कैसे करेंगे, राइट. तो मेरा मेन मकसद लीड सार्क इज अ ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म. मेरा मेन मकसद है कि मैं आपको सिखाऊं पहले कि एफिलिएट मार्केटिंग कैसे किया जाता है. आप हमारे प्रोडक्ट को सेल कीजिए, आपको मेरे से कमीशन मिलेगा. आप क्लिक बैंक के प्रोडक्ट को सेल कीजिए, आपको वहां से कमीशन मिलेगा. किसी के भी प्रोडक्ट को सेल कीजिए, और सिर्फ क्लिक बैंक क्यों, देर आर थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट जिनका एफिलिएट प्रोग्राम उनके अपने वेबसाइट पे है, मतलब इट्स नॉट देयर. फॉर एग्जांपल फाइवर, फाइवर पे आप जाइए, फाइवर का आप एफिलिएट कर सकते हैं उनके प्लेटफॉर्म से ही. उनका है दूसरे सीजे पे भी है, कमीशन जंक्शन सीजे पे भी है फाइवर का, राइट. सेम वे गो डैडी, राइट. अगेन यू कैन, ओके यू कैन डू शॉपिफाई. शॉपिफाई जो एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, आप उनको एफिलिएट कर सकते हैं उनके अपने प्लेटफॉर्म से. यू डोंट नीड एनी प्लेटफॉर्म. वो क्लिक बैंक पे नहीं है, वो जेवीजू पे नहीं है, वो वॉरियर प्लस पे नहीं है, तो शॉपिफाई स्कैम है, राइट. तो जरूरी नहीं है कि
मैं अगर जरूरी नहीं कि अगर मैं कोई प्रोडक्ट सेल करूं तो मैं अमेजोन पे जाकर सेल करूं, मैं अपना ई कॉमर्स साइट भी रख सकता हूं, ये मेरी मर्जी है। तो हमारे पास अपना प्लेटफॉर्म है लीडसा का, वी डोंट नीड देयर सपोर्ट। हम लोग का प्लान तो वही किया था कि हम भी वॉरियर प्लस पे ही एफिलिएट करेंगे, वहां काम नहीं किया तो हम लोगों ने अपना प्लेटफॉर्म बना लिया, सिंपल सा चीज है, राइट। वी आर नॉट अलाउइंग थर्ड पार्टी टू कम, वी वॉन्ट ओनली आर प्रोडक्ट एज ऑफ नाउ, एज ऑफ नाउ दिस इज आर बिजनेस कॉल, थर्ड पार्टी कैन नॉट कम एंड दिस इज नॉट अ मार्केट प्लेस। JVZoo, ClickBank, वॉरियर प्लस इज अ मार्केट प्लेस वेयर पीपल थर्ड पार्टी कम लिस्ट देयर प्रोडक्ट, एफिलियट्स कम सेल द प्रोडक्ट, मन डू द एफिलियट्स। तो द ब्रांड पेज द कमीशन टू एफिलियट्स थ्रू द मार्केट प्लेस, मार्केट प्लेस अर्न मनी ऑन एवरी सिंगल ट्रांजेक्शन, सिंपल। सो वी आर नॉट अ मार्केट प्लेस एज ऑफ नाउ। ओके ओके, गॉट इट सर। आई गेस लीड्स को आई गेस 18 मंथ हो गया ना, मे में लॉन्च हुआ था, जून एक्चुअली मे में हम लोगों ने से सॉफ्ट लॉन्च किया था, वेबसाइट लॉन्च जून में हुआ था। ओके ओके गॉट इट, मतलब 17-18 मंथ हो गया। अभी तक कितना कमीशन डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है? 16 करोड़ अभी हम लोग कमीशन पे कर चुके हैं। 16 ईयर, वाओ, इट्स टू मच। ओके एंड सर, लाइक इन द लास्ट 2 ईयर, मैं 2 ही साल बोलता हूँ उस चीज को, लाइक कोई वर्स्ट सिचुएशन आया लीड्स आग के अंदर जो कि लगा कि यार अब इससे हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, कोई भी ऐसा सिचुएशन जो आपने फेस किया हो, बिकॉज यू आर रनिंग अ स्टार्टअप एक्चुअली, ठीक है, टोटली बूटस्ट्रैप है, चाहे इसी बात है आया होगा। आई एम अ वेरी प्लान्ड काइंड ऑफ पर्सन, ओके, मैं हर चीज को प्लान करता हूँ, बहुत प्लान करता हूँ मैं हर चीज को, और शायद इसीलिए मैं टाइम भी लेता हूँ। जैसे आप देख रहे हैं लीड्स आग 3.0 लॉन्च होने में टाइम लग रहा है, क्योंकि मैं एक एक चीज़ को चेक करता हूँ और बिफोर गोइंग अहेड मैं मेक श्योर करता हूँ कि हर चीज़ प्लान वे में हो। आपको भी पता होगा कि अभी तक, मतलब लास्ट 19 मंथ्स ऊपर हो गया, ऑलमोस्ट 20 मंथ्स में सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है कि हम लोगों ने एक दिन के लिए कमीशन डिले किया, आज तक हमारा सिस्टम कभी फेल नहीं हुआ। जो डेट मैंने बोला उस डेट में हम लोगों ने कमीशन पे आउट किया, राइट, एंड दैट स्पीक्स अबाउट आवर सिस्टम। ओके, तो ऐसा कोई टाइम आया नहीं है, लेकिन हाँ कुछ कभी होता है प्रॉब्लम, हम लोग भी ह्यूमन बींग्स हैं। एक बार ऐसा प्रॉब्लम हुआ था कि मैंने डबल कमीशन पे कर दिया था भी याद है वो या डबल कमीशन पे कर दिया, तो सबको दो दो बार कमीशन आ गया, सेम अमाउंट डबल। अब वो टेंशन वाली बात थी कि उतना पैसा रिकवर करना, उस वक्त हम लोग क्या 7 लाख पर वीक कमीशन पे कर रहे थे, अभी हम लोग पर वीक कमीशन पे करते हैं अराउंड 30-35 लाख। ओके, पर वीक 30 लाख अराउंड वी पे, उस वक्त हम लोग 7-8 लाख पीक पे करते थे, अब 7-8 लाख में अराउंड 6 लाख डबल हो गया था पेमेंट, 6 लाख। वो रिकवर करने में थोड़ा टाइम लगा था लोगों से कि भाई पैसा वापस करो उसमें अभी भी 40-50 हज़ार नहीं आया, लेकिन छोड़ो अब कोई फॉलो भी नहीं करता उसको। एक्चुअली मेरे सिस्टर के पास भी आए थे डबल पैसे। ओके ओके, असल लाइक मैं सिंपल बोलूंगा कि अभी जो लीड्स आके है, लाइक आप काफी अपने रास्ते पे चल रहा है इसी तरीके से, काफी अच्छा जा रहा है, एंड आपको क्या लगता है, लाइक व्हाट डू यू थिंक कि ऐसे कौन से फैक्टर है जो कि लीड्स आग की सक्सेस में बेसिकली शामिल होते हैं? आप बोलो कि हाँ इन चीज़ों की वजह से, चाहे वो कंसिस्टेंसी या फिर कोई ऐसा फैक्टर जिसके बारे में आप नाम लेना चाहते हो, लाइक क्यों सक्सेसफुली हो पाया? टीम मेंबर्स का बिलीव, राइट, कंप्लीटली ये जो जाता है हमारे एफिलिएट टीम मेंबर्स को जाता है। अगर हम लोग कोर्स डेवलप कर रहे हैं तो उसमें भी हमारे टीम मेंबर्स, जो हमारे कोर टीम मेंबर्स हैं, जो हमारे सीनियर टीम मेंबर्स हैं, जिनके इनपुट्स के वजह से हम लोग कोर्सेज को डेवलप कर रहे हैं, राइट, तो डेफिनेटली मैं पूरा का पूरा क्रेडिट अपने टीम मेंबर्स को देता हूँ इस प्लेटफॉर्म के लिए, क्योंकि उनके ही इनपुट्स के वजह से। लीड्स आर्क इज नॉट ओनली माइन, लीड्स आर्क बहुत सारे लोगों का है, राइट, बहुत सारे लोगों ने इन पे कंट्रीब्यूट किया है लीड्स आर्क को डेवलप करने में, राइट। तो वेर एवर लीड्स आर्क इज देयर, डेफिनेटली इट्स अ टीम मेंबर्स बिलीव जिसके वजह से, और दैट पुश मी एक्चुअली। जब आप लोग का मैसेज आता है, कोई आप लोग में किसी का भी जो कोर टीम कर रहा है, मुझे डर लगता है एक्चुअली, सच में बताऊँ, जब आप लोग का मैसेज आता है तो मैं बहुत डर के खोलता हूँ कि कहीं कुछ इशू तो नहीं हुआ, राइट, तो ऐसा चीज हो जाता है। तो एक्चुअली यू गाइज पुश मी, आई एम नॉट टॉकिंग नेगेटिव वे, आई एम ट्राइंग टू से पॉजिटिव वे, बिकॉज यू गाइज पुश मी एक्चुअली। एंड जो भी लीड्स आग का जहाँ भी है, हमारे टीम मेंबर्स के बिलीव एंड कॉन्फिडेंस की वजह से, नथिंग एल्स। गॉट इट सर। सर आई हैव सीन यू इन पास्ट, लाइक यू आर मेकिंग $12,000 $15,000 इन अ मंथ, आपको देखा करते हुए, ठीक है, दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे, लाइक हाउ समवन कैन डू, लाइक अगर आप मेरे को बताओ, अगर मेरे को थोड़ा सा वो गाइड करो कि अगर मुझे करना हो $12,000 $15,000 इन अ मंथ, तो भाई कैसे कर सकता हूं, आपने कैसे किया? मैं जानता हूं जो $20,000-$25,000 भी कर रहे हैं, $25,000 भी कर रहे हैं, अभी भी मैं जानता हूं, ठीक है। देखिए एफिलिएट मार्केटिंग में एनीथिंग इज पॉसिबल, इट टेक्स टाइम, ओके। आपके पास अपना सेल्स नंबर होना चाहिए कि मुझे क्या अचीव करना है, उसके लिए कितना सेल्स करना है, उसके लिए कितना काम करना है,
राइट, हर प्रोडक्ट का। तो जो प्रोडक्ट हम लोग सेल करते थे वहां हम लोग को $125 कमीशन मिलता था एक साथ, राइट, एक साथ $125 कमीशन मिलता था, प्लस हमको वहां पैसिव इनकम भी आता था। तो चार साल पांच साल अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं तो आप उस लेवल पे आ जाते हैं, मतलब कि आपके पास ऐसा टीम है जहां से आपको पैसिव इनकम भी आ रहा है, प्लस अपना आप नया सेल कर रहे हैं। तो बस वही सब चीज़ था जो हम लोग कर रहे थे। इट वॉज नॉट अ व्हाट यू से 3 महीने या 4 महीने का सक्सेस, इट वॉज 4 to 5 years ऑफ सक्सेस। लेकिन हाँ, अभी मार्केट ऑफकोर्स बहुत चेंज हो गया है। उस वक्त इंस्टाग्राम उतना ज़्यादा डेवलप नहीं था, फेसबुक से ही हम लोग ये करते थे। लेकिन जो भी था, जो भी मैं अर्न कर रहा था, इट वॉज नॉट थ्रू पेड मार्केटिंग, एब्सोल्युटली ऑर्गेनिक। दैट इज माई स्ट्रेंथ। मैं पहले जब स्टार्टिंग में मैं बहुत पैसा गवाया हूँ पेड मार्केटिंग पे। आई एम नॉट हैविंग एनी प्रॉब्लम अगेंस्ट व्हाट इज पेड मार्केटिंग या यूजिंग पेड एड्स। आई एम जस्ट ट्राइंग टू से माई सेल्फ, तो माई स्ट्रेंथ इज ऑलवेज ऑर्गेनिक, ऑलवेज ऑर्गेनिक, एंड डजेंट मैटर वॉट इज द सिचुएशन। अभी आज भी मैं बैठने बैठूँ, हो सकता है एक दो दिन टाइम लगेगा, लेकिन मैं रास्ता निकाल लूंगा कि पेड मार्केट मतलब कैसे ऑर्गेनिक लीड जनरेट करना है, सिंपल। तो इट्स ऑल अबाउट कि आपको कैसे करना है, आपका क्या नंबर है, कितना फोकस हो के आप करते हैं, राइट। और सबसे बड़ी बात होती है कि आपके पीछे की आपकी भूख, क्योंकि मेरा जो सिचुएशन था मुझे चाहिए था, राइट। अब जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि मेरे पीछे इतना डेप्थ था, ये वो, मैं इतना अर्न कर रहा था, लोगों को बोलता था मैं इतना अर्न कर रहा हूँ, मेरे पास रेड एम आई फोन होता था, लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे लिखते थे, अगर आप तुम इतना अर्न करते हो तो आईफोन क्यों नहीं तुम्हारे पास, अगर तुम इतना अर्न करते हो तुम्हारे पास मैकबुक क्यों नहीं है, लैपटॉप क्यों नहीं है, ऐसा एप्पल लैपटॉप क्यों नहीं है। मेरे पास नहीं था, मेरे पास नहीं था, बिकॉज मेरा प्रायोरिटी कुछ और था, राइट, उस वक्त। तो जो भी मैं अर्न कर रहा था, मेरा मुझे डेप्ट क्लियर करना था, मुझे बहुत सारे ह्यूज मतलब ओवर ड्यूज था, उन सबको क्लियर करना था। तो वो सब, तो आपके अंदर का भूख वो बहुत जरूरी होता है कि दैट मेक्स यू रन, यू डोंट नीड एनी मोटिवेशन। सच में मैं बता रहा हूँ, अगर आप वाई यू आर डूइंग दिस, अगर वो आपका क्लियर है और वो इतना इंपॉर्टेंट है कि वो आपको रात में सोने नहीं दे रहा है, तो यू डोंट नीड एनी मोटिवेशन। आपको कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं चाहिए, कोई मोटिवेशनल कोटेशन नहीं चाहिए, राइट, बस आप भागोगे। सो दैट वॉज माई सिचुएशन, दैट वॉज माई सिचुएशन, भागना है, देर इज नो अदर वे, दैट्स इट। Got it. Actually, बहुत सारी लाइन है कि लोगों का इंटरेस्ट है कि वो करना चाहता है, बट एक्चुअली लोग कमिटेड नहीं है, और देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट एंड कमिटमेंट, राइट। वही सारी चीज होती है गाइस, वही सारी चीजें होती हैं सर। ओके सर, लाइक जब आप कर देता है फ्लीट मार्केटिंग, आपका मेजर फोकस क्या होता था, कॉन्टेंट क्रिएशन या फिर लीड जनरेशन? कॉन्टेंट क्रिएशन टू जनरेट लीड्स, ठीक है, लीड जनरेशन। मैं सेल्स पे काम कर रहा था, मुझे डेली का सेल्स चाहिए था, डेली, ओके, Okay. मुझे सेल चाहिए डेली। अब मुझे पता है, एक अपना रेशियो हो जाता है कि मुझे अगर एक सेल चाहिए तो मुझे 4 लीड्स चाहिए, ठीक है, वो उस लेवल पे आ जाता है कि 4 लीड्स चाहिए। तो अगर मुझे 5 सेल चाहिए तो मुझे 20 लीड चाहिए, राइट। तो 20 लीड्स के लिए मुझे कितना प्रमोट करना है, कितना रॉ लीड जनरेट करना है, कितना प्रॉस्पेक्ट बनाऊं, मेरे पास कैलकुलेशन होता था, एंड इन एंड आउट वैसे ही होता था, एवरेज मैं बता रहा हूँ। तो उस हिसाब से तो मैं कंटेंट क्रिएट इसीलिए करता था कि वहां से लीड जनरेट कर सके, राइट। तो मेरा जो भी कंटेंट क्रिएशन था वो लीड जनरेट को ही फोकस करके होता था। और पहले मार्केट डेफिनेटली डिफरेंट था, अभी मार्केट चेंज हो रहा है, कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है, राइट, कंपटीशन भी अभी बहुत ज़्यादा है, बट अभी, लेकिन एट द सेम टाइम, मतलब मैं इसको डिसएडवांटेज नहीं बोल रहा हूँ कॉम्पिटिशन, बिकॉज अभी एक्सेप्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। तो पहले सेल्स करना बहुत डिफिकल्ट था, राइट, अभी भी डिफिकल्ट है, लेकिन मैं नहीं बोल रहा अभी ईजी है, लेकिन मैं ये नहीं लोगों को मतलब बताना चाह रहा हूँ कि पहले बहुत ईजी था और अभी बहुत टफ है। पहले अदर चैलेंजेस था, अभी भी अदर चैलेंजेस है, पहले का अदर एडवांटेजेस था, अभी का भी अदर एडवांटेजेस, अभी लोगों को जानते हैं, पहले तो एफिलिएट मार्केटिंग कोई जानता नहीं था, राइट, अभी तो बहुत अवेयरनेस है, राइट, लोग बहुत सारे अपडेट देखते हैं। अब अगर सपोज मैं एक लीड्स को अप्रोच कर रहा हूँ, तो वो हो सकता है कि 10 और लोगों का भी वो सक्सेस देख के मेरे पास आ सकता है, पहले ये नहीं था, उतने सारे लोग थे ही नहीं, राइट। तो वो सब भी एक्सेप्टेंस भी अभी बहुत ज़्यादा हो गया है, अभी आप देखिएगा 16 ईयर्स 17 ईयर्स ओल्ड ऑल स्टूडेंट्स एंड ऑल देयर डूइंग। उस वक्त स्टूडेंट लोग मतलब दे वर नॉट रेडी टू इन्वेस्ट मनी, स्टूडेंट तो मैं हम लोग टारगेट ही नहीं करते थे, हमारा टारगेट हमेशा 22-23 प्लस होता था। हम तो पहले पूछते थे कि व्हाट डू यू डू, अगर वो कोई काम नहीं कर रहा है, कोई बिजनेस नहीं कर रहा, तो हम तो उनको मतलब उसके आगे कन्वर्सेशन लेके नहीं बढ़ेंगे नहीं, हाँ, लेकिन क्योंकि मुझे पता है वो नहीं करेंगे इन्वेस्ट, बट अभी तो हमारे टीम में ही बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं एक्चुअली, राइट। तो वैसी बात है, तो हम लोग 22-23 के नीचे पहले अप्रोच ही नहीं करते थे पहले,
बट एग्जैक्टली सर मैं आवाज से आपकी एग्री करता हूँ कि ऑडियंस इवन जब मैंने भी स्टार्ट किया था आपका सिर्फ फेसबुक ही था बट राइट नाउ क्या है कि इंस्टाग्राम ही सारा बूम कर रहा है 90% लोग इंस्टाग्राम से प्रमोट कर रहे हैं. वेल सर मैंने एक चीज़ आपके अंदर नोटिस कर रखा है कि आपका जो पर्सपेक्टिव होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है. लाइक जब भी मैं आपसे बात करता हूँ या फिर जब भी कोर टीम की मीटिंग होती है हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं ठीक है और जो आपका रिप्लाई होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल का होता है. तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पर ये बेसिकली कि एज अ फाउंडर ऑफ अ लीड्स एज अ फाउंडर ऑफ अ कंपनी जब भी आप कोई कंपनी के बेसिस पे डिसीजन लेते हो और पर्सपेक्टिव आपका होता है बेसिकली वो टोटली डिफरेंट कैसे है बिकॉज जब आपने स्टार्ट किया आपका लाइक बेसिकली आप कहीं और ही लॉन्च कर रहे थे बट अभी टोटली एक कंपनी बन चुकी है जिसने 16 करोड़ से प्लस का लाइक वो कर रखा है कॉन्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है अच्छे का साइनिंग कर रखा है. वो पर्सपेक्टिव कैसे डेवलप हुआ आपका? आपने कोई बुक रीड किया? आप कोई योगा करते हो? आप क्या करते हो? बिकॉज एक बार आपको याद होगा जब मैंने थोड़ा प्राइसिंग को लेकर बोला था कि सर इसका प्राइसिंग ये होना चाहिए इसका प्राइसिंग होना चाहिए देन आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ पे ये रखा था कि मेजोरिटी ऑफ सेल्स कहाँ पे होता है आपको ये देखना पड़ेगा देन यू सेट की जो लोवेस्ट प्राइस है तो वहाँ तक मैं सोच ही नहीं पाया था मैं बस प्राइसिंग में खेल रहा था ठीक है. तो वो वाला पर्सपेक्टिव और कैसे बन पाया सर आपका? देखिए वो पर्सपेक्टिव तभी बनता है जब आप एवरी साइड्स ऑफ जब आप एक कंपनी हैंडल कर रहे हैं. जब क्या होता है कि आप जब कभी कभी क्या होता है कि आपके अराउंड जो होता है या आपके थ्रू होता है आपको लगता है कि बस यही है बहुत सा चीज़ आप बाहर की बातों को नहीं जानते तो ये ओपननेस. अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अगर मेरे पास जिस तरह से इनपुट लेके आइएगा आपकी तरह हमारे पास 50 लोग हैं जो इनपुट लेके आते हैं और मैं 50 की बातों को सुनता हूँ तो मेरे पास एक पर्सपेक्टिव बनता है ऑन द बेसिस ऑफ ज़्यादा लोग क्या चाह रहे हैं ठीक है. तो इस तरह से हमें मार्केट में हम भी हैं हम लोग वो चीज़ को देखते हैं तो हमारा जो भी लीड्स को लेके जो भी डिसीजन होता है वो बेस्ड ऑन ये होता है कि ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं होगा जो सबको 100% लोगों को खुश कर सके. सबसे पहली बात ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा देयर इज नथिंग कॉल्ड आइडियल डिसीजन ठीक है. हर डिसीजन से कुछ लोग खुश होंगे कुछ लोग ना खुश होंगे एकदम होंगे ही होंगे लेकिन हमारा इंटेंशन बहुत क्लियर होना चाहिए. इंटेंशन ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट पहुँच सके ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको एक्सेप्ट कर सके राइट. एंड जो भी हो अगर कुछ लोग नाखुश भी हैं तो अगर हमारा इंटेंशन बहुत क्लियर है तो हम लोग उनको कन्विंस कर पाएंगे क्योंकि हम उनको एक्सप्लेन कर पाएंगे कि ये क्यों है. जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने दिया कि एक आप पॉइंट लेके आए और मैंने जब आपको दूसरा पर्सपेक्ट बताया तो आपने सोचा यह करेक्ट राइट ये भी हो सकता है जो आपने पहले नहीं सोचा था. तो वही चीज़ होता है इट्स ऑल अबाउट ओपननेस टू व्हाट यू से एक्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एवरीवन एंड देन टेकिंग द कलेक्टिव डिसीजन. आई थिंक दैट्स द एटीट्यूड इफ यू हैव फॉर हैविंग एनी प्लेटफॉर्म और एनी बिजनेस यू डू टू टेक द डिसीजन. बेसिकली हम एज अ पर्सन किसी भी चीज को ऐसे देखते हैं इस तरफ से बट आप सर ऊपर से देखते हो इसका नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ सारा पॉइंट ऑफ फोकस पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो डिफरेंट हो जाता है. वो टोटली ऊपर से होता है हमारे एक साइड से होता है. गॉट इट सर. एंड क्या फाउंडर भी डीमोटिवेट होते हैं? अगर इफ द आंसर इज येस देन उस टाइम पे सर आप क्या करते हो? अगर फाउंडर ह्यूमन बींग्स हैं तो डीमोटिवेट होंगे तो डीमोटिवेट होते हैं राइट okay. होते हैं डेफिनेटली राइट. अगर मैं बोलूं कि नहीं मैं डीमोटिवेट मैं बहुत ही पम्प्ड आदमी और हमेशा मोटिवेटेड रहता हूं तो ऑब्वियसली आई एम टेलिंग लाइज राइट. यस डीमोटिवेट होते हैं. उस टाइम मैं क्या करता हूं ओके तो उस टाइम मैं क्या करता हूं कि मैं उस चीज़ को छोड़ देता हूं थोड़ी देर के लिए. मैं होल्ड करता हूं जो भी चीज़ है ठीक है उस चीज़ को होल्ड करता हूं सो दैट आई कैन टेक बेटर डिसीजन विथ फ्रेश माइंड्स. फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ. मुझे खाना बहुत पसंद है राइट देख के लग रहा होगा तो आई टेक फैमिली आउट एंड गो टू रेस्टोरेंट पसंदीदा खाना खाओ अपने आप को माइंड को डाइवर्ट करता हूँ और उसके बाद जब मैं अपने फोकस करने की कोशिश करता हूँ तो अगेन सबसे जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको जाना कहाँ है अगर वो आपका मंजिल आपका जो टारगेट क्लियर है तो रास्ता निकल ही जाता ठीक है. हो सकता है रास्ता थोड़ा इधर उधर हो राइट. तो अगर आप उस चीज पे फोकस्ड हैं कि हमको यहां जा दिस इज आर टारगेट तो हो सकता है कभी टाइम लगे हो सकता है इधर उधर हो लेकिन आपको रास्ता मिल ही जाएगा. आप अगर निकालोगे निकलेगा ही रास्ता. सिंपल सा चीज है. मतलब गाइस सुन लो बेसिकली लोग हर कोई डीमोटिवेट होता है बेसिकली बट द थिंग इज कि आपको सॉल्यूशन पता होना चाहिए. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन सर यहाँ पर यह है कि व्हाट एग्जैक्टली लीड्स आर डूइंग डिफरेंट फ्रॉम अदर प्लेटफॉर्म? सी व्हाट एग्जैक्टली डिफरेंट तो मैं ये बोलूंगा कि मैं अभी कमीशन स्ट्रक्चर में नहीं जा रहा हूँ. सब लोग बोलते हैं हमारा डिफरेंट कमीशन स्ट्रक्चर है वो तो है ही सब लोग जानते हैं राइट. तो लीड्स आर्क इज द लर्निंग प्लेटफॉर्म राइट.
तो अगर मैं बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म को देखता हूँ कि वहाँ बहुत कुछ सिखाया जाता है, अच्छी बात है, मैंने खराब नहीं बोल रहा हूँ, अच्छी बात है, लेकिन हमारा फोकस है इंटरनेट मार्केटिंग, ऑनलाइन बिजनेस, और हम लोग ये ट्राई करते हैं कि हमारा हर कोर्सेस इससे रिलेटेड हो कि जो ऑनलाइन आपको डिजिटल एंटरप्रेन्योर बनाने में हेल्प करे. गॉट इट, राइट. तो ये हम डिफरेंट कर रहे हैं और इसके लिए हम लोग को बहुत सारे अच्छे से अच्छे कोर्सेज डेवलप करते रहना पड़ेगा. हम लोग करते रहेंगे, राइट. डिफरेंट अगर बोला जाए कि अगर हम लोग लीड सार्क में कोई कमिटमेंट देते हैं कि ये कमिटमेंट है कि आपको दोबारा पे नहीं करना इस पैकेज में और नया कोर्सेज ऐड होगा, हम लोग उस पर, जैसा कि मैंने दूसरे प्लेटफॉर्म में देखा है कि बहुत सारे लोगों को, इवन एग्जिस्टिंग लोगों को फिर से पे करना पड़ा है उसी प्लेटफॉर्म में नए कोर्सेज को लेने के लिए, राइट. जो कोर्सेज एडेड है बस उतना ही, हमारे यहाँ वैसा नहीं होता है. हमारा जो कमिटमेंट है वो कमिटमेंट है, चाहे जितना भी कोर्सेज ऐड होगा उसमें वही होगा, राइट. मेन चीज़ है कि इंटेंट, आई डोंट नो अबाउट, मैं डिफरेंट नहीं बोलूंगा मैं अब, ओके, क्योंकि आई डोंट लाइक टू कंपेयर लीड सार्क विथ एनी अदर प्लेटफॉर्म. ओके, अगर मैं बोलता हूँ कि ये डिफरेंट है तो मैं एक कहीं ना कहीं ये बोलना चाह रहा हूँ कि दूसरे का ये है और मेरा ये ऊपर, राइट, जो मैं कभी नहीं करना चाहता हूँ. मैं कभी भी किसी भी प्लेटफॉर्म या किसी भी प्रोडक्ट को मैं डिग्रेड नहीं करता हूँ. तो रैदर आई फोकस ऑन पॉजिटिविटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ आर प्लेटफॉर्म. मैं कभी भी अपने, मेरे सेल्स वेबिनार अगर देखा होगा, मैं कभी भी अपने प्रोडक्ट को किसी भी प्लेटफॉर्म से मैं कंपेयर करके सेल नहीं करता हूँ, कभी भी नहीं. ओके, तो मेन एजेंडा बिकमिंग बेटर देन यस्टरडे. हाँ, तो हम लोग अपने जहां पे है वहां से बेटर होना, जहां पे है वहां से ग्रो करना है. आई थिंक मेरा फोकस ये है. तो डिफरेंट बोलना मेरे लिए सही नहीं रहेगा. मैं ये चीज ध्यान रखता हूँ कि इसको कैसे और ज्यादा डेवलप करूं और ज्यादा, और डे इन डे आउट आई वर्क ओनली फॉर दिस, राइट. आई डोंट नो इट इज डिफरेंट और नॉट, बट आई वर्क ओनली फॉर दिस कि कैसे अपने टीम मेंबर्स को ज्यादा से ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर सके. आई रियली अप्रिशिएट योर माइंड सेट सर. और पर्सपेक्टिव वाले से ही थोड़ा सा रिलेटेड क्वेश्चन है ये, बिकॉज मैं आपको बताइए, मैं आपको बोलता हूँ कि सर ये होना चाहिए लीड साइड के अंदर, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ठीक है. और मैं बहुत डेस्परेट भी होता हूँ जल्दी से कि ये अभी तक क्यों नहीं हो रहा. जैसे ही जो भी डेवलप हो रहा है, आप और आपसे बहुत सारे हमारे जो टीम मेंबर है कोर टीम में, उन लोगों के बोलने की वजह से ही और ज्यादा मुझे भी बहुत कुछ नया जानने को मिलता है कि हाँ ये भी होना चाहिए. तो उस हिसाब से ही हम लोग ये करते हैं, मतलब हम लोग ज्यादा डेवलप करते हैं. और सर लाइक आप इतना डायरेक्ट कैसे रहते हो चीज़ों को लेकर? लाइक अगर कभी भी कोई क्वेश्चन आता है, कभी भी कोई सिचुएशन आती है, लाइक मैं ना बस जब मैं क्वेश्चंस पे लिख रहा था ना, आई वाज थिंकिंग लाइक कि नहीं, मेरे को अपने लेवल का सोचना नहीं है, मेरे को सोचना है सर के लेवल का कि हाँ उनके लिए क्वेश्चन कैसे होने चाहिए, ठीक है. तो कभी भी कोई बात होती है, मैंने कहा सर ये चीज़ है, आपका आंसर टोटली डायरेक्ट कि हाँ ठीक है ये चीज़ है, और टोटली वो सेटिस्फाई होता है एकदम. एंड आई वॉज लाइक, इवन एक सिचुएशन मेरे साथ लाइफ में ऐसा आया, आई वॉज कंपेयरिंग माई सेल्फ विद योर माइंड सेट. सीरियसली आई वॉज थिंकिंग कि यार अगर मेरे सिचुएशन पे आया सर होते वो कैसे रिएक्ट करते, बहुत काम, बहुत शांत से, और सोचते ठीक है वॉट नेक्स्ट वॉट नेक्स्ट. तो वो कैसे आपने डेवलप किया, क्या ये पहले से था? हो सकता है पहले से होगा, मतलब मैं पॉइंट को बहुत, मतलब क्या होता है कि कोई भी जो इशू होता है ना उसको मैं बहुत क्लियरली, मतलब मेरा थॉट बहुत क्लियर होता है, राइट. मैं बहुत ज़्यादा इसको कॉम्प्लेक्स नहीं करता हूँ. और मैंने जो भी सीखा, मेरा सबसे बड़ा मेन चीज़ यह है कि मैं बहुत ओल्ड स्कूल आदमी हूँ, मतलब जो बोलते हैं ना कि स्टिक टू द रूल्स, स्टिक टू द प्रोसेस, ठीक है, वो मैं हूँ, ठीक है. तो जो मैंने सीखा है, मतलब अपने मेंटर्स के से जो भी मैंने सीखा, मैं उस सिचुएशन को अपने, मतलब थ्योरेटिकल नॉलेज से बहुत अप्लाई करता हूँ, राइट. ऑनलाइन बिजनेस इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकल एक्चुअली, राइट. बट जो मैंने भी थ्योरी सीखा है ना, जो नॉलेज मैंने मेंटर से सीखा है, मैं वहाँ जो भी मेरा डिसीजन होता है या जो भी मैं कोई भी प्रॉब्लम को मैं इस तरह से, मतलब सॉल्यूशन निकालता हूँ या इस तरह से सोचता हूँ कि उसको रूल्स के हिसाब से कैसे फॉलो किया जाए, राइट. तो जिसके वजह से मैं क्या करता हूँ, सिचुएशन को मैं बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं करता हूँ. मैं आई जस्ट ट्राई टू मेक इट एज क्लियर एज पॉसिबल, राइट. कोई मतलब, एंड आई बिलीव कि नथिंग इज रॉकेट साइंस. यहाँ जो भी इश्यूज होंगे, 90% इश्यूज तो हमारा सेल्फ क्रिएटेड होता है एक्चुअली, हम लोग बनाते हैं. अगर हम रूल्स फॉलो करें, प्रोसेस को फॉलो करें, तो 90% इशू तो ऐसे ही खत्म हो जाता है एक्चुअली, राइट. और ये एक्सेप्टेंस कि नो मैटर व्हाट देयर इज ऑलवेज इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड. तो मैं कभी ये नहीं सोचता हूँ कि जो मैंने कर दिया वो बेस्ट है, राइट. नथिंग इज बेस्ट इन दिस वर्ल्ड, राइट. आज आप $500 अगर डेली कमा रहे हो तो कल $600 कमाने का आपके पास सीखने का वो जज्बा होना चाहिए,
जो भी आप कर रहे हो राइट, तो वो एक्सेप्ट करना कि इसमें भी इंप्रूवमेंट चाहिए, मेरे में भी चाहिए, लीड सार्क में भी चाहिए, प्रोसेस में भी चाहिए राइट, लेकिन योर इंटेंशन शुड बी ऑलवेज क्लियर राइट, तो आप आई थिंक सिचुएशन को कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते. ठीक है, गॉट इट. वेल सर, मैंने आपको देखा हुआ है कि आप सोशल मीडिया पे लाइक टोटली एकदम मतलब एक डेडिकेटेड कंपनी के फाउंडर है, बट रियल लाइफ में कूल गाय. लाइक व्हेन आई मेट यू फर्स्ट टाइम, आई गेस आप दिल्ली आ रखे थे फर्स्ट टाइम, तो मैंने देखा, मैंने कहा कि भाई बहुत एग्रेसिव होंगे सर, ठीक है, और लाइक बहुत ही गुस्से वाले होंगे. बट जब मैं मिला, मैंने कहा यार ये तो बहुत कूल है, ठीक है ना, ये उन लोगों के लिए जो लोगों सर से अभी तक मिले नहीं है, या जो लोग भी मुझे नहीं मिले है ना, उन सबका ये पर्सपेक्ट है, मतलब ये वो सोचते हैं कि अयाज बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं. मुझे जितने लोग भी मिले हैं लीड साक से, सब लोगों ने यही बोला है कि हम लोग सोचते थे कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, बहुत रूल्स, मतलब के आप हो सकता है बहुत गुस्सा करते होंगे या साइड शो. एक्चुअली क्या होता है ना, जब मैं क्वेश्चन आंसर करता हूँ तो एक पैशन होता है राइट, लीड साक को लेकर एक पैशन है. और मैं हमेशा बोलता हूँ मैं हर चीज को पॉजिटिव तरीके से देखता हूँ, तो कुछ नेगेटिव क्वेश्चन आता है अगर वो, तो मैं उनको क्लियर करता हूँ पॉइंट, मैं बहुत पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूँ एक्चुअली जब मैं उनको समझाता हूँ, तो वो पॉइंट टू पॉइंट समझाने के चक्कर में उनको लगता है कि मैं उनको रूडली बात कर रहा हूँ या स्ट्रिक्ट बात करता हूँ. बहुत सारे लोगों को लगता है, बहुत सारे लोग मेरे Q&A सेशन में या वेबिनार सेशन में उनको लगता है कि मैं बहुत गुस्सा होकर बात करता हूँ, तो एक्चुअली मैं गुस्सा होकर नहीं बात करता हूँ, मैं पॉइंट टू पॉइंट करता हूँ, लेकिन हाँ मेरा पैशन दिखता है वहां पे राइट. तो इस वजह से लोग एक अज्यूम कर लेते हैं कि हाँ मैं बहुत मतलब स्ट्रिक्ट होऊंगा, लेकिन जो लोग भी मुझसे मिले राइट, आई जस्ट लव मेकिंग फन राइट. तो बस हम लोग तो गोवा में भी मिले थे, हम लोग तो पता ही है कि हम लोग तो बहुत मस्ती किए थे बहुत 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 इज्जत किया था सर. लाइक बहुत सारे लोग आपको देखते हैं एज अ मेंटोर के रूप में. लाइक आई वांट टू आस्क यू, लाइक हु इज योर मेंटोर, लाइक आप किसको देखते हो एज इंस्पिरेशन के रूप में. लाइक वी सी यू कि हाँ हमारे मेंटोर ये हैं, बट हु इज योर मेंटोर, आपने किससे सीखा है सारी चीजें. दो क्वेश्चन है, हु इज माय मेंटोर एंड whom you see as an inspiration. Inspiration, right? ये दो different चीज़ है. मेरे बहुत सारे mentor हैं, ठीक है? Okay. मैं starting से अगर मैं बात करूँ, Dan Locke, Shelley Turner, Siddharth Rajshekaran, okay? तो ये सब तो ऐसे mentor हैं जहाँ से मैंने मतलब के structured way में मैं उनसे सीखा है या courses खरीद के किया. लेकिन ऐसे बहुत सारे मेंटर्स हैं जिनको शायद उनको नहीं पता होगा, फिर भी मैं उनको फॉलो करता हूँ, उनसे बहुत कुछ सीखने को कोशिश करता हूँ. उनको नहीं पता होगा क्योंकि मैंने उनका कोर्स नहीं खरीदा राइट. Okay. तो ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन जो दो मेंटर जिनके वजह से मेरे लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए वो है शेली टर्नर एंड शेली टर्नर जो मेरे बिल्डरॉल में मेरी ट्रेनर थी. ओके okay. ठीक है. एंड Dan Locke. Dan Locke को तो मैं ही बहुत फॉलो करता हूँ, आई गेस उनकी सारी वीडियोस देखी है मैंने. एंड मैंने कोर्सेज खरीदा एक्चुअली शुरू में ही. मैंने भी किया है सेल्स का कोर्स उनका, लाइक लिटरली काफी अमेजिंग था एंड लिटरली मेरी लाइफ में भी काफी चेंज आया था राइट. गैस एक मेरा थोड़ा असर, मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है आपसे, लाइक व्हाई यू डोंट रिप्लाई ऑन व्हाट्सएप. मैं पूछना चाहता था आपसे, आप रिप्लाई करते हो बट आप सीन करके छोड़ देते हो, आपको जहाँ रिप्लाई नहीं करना होता ना. अब मेरा क्वेश्चन यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान सुनना कि जब भी मैसेज करते हैं, मैं ही करता हूँ या फिर कोई और भी करता है, अगर आपको लगता है कि रिप्लाई नहीं करना चाहिए, आप नहीं करते, या फिर आपको ये लगता है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, या फिर आपको लगता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बाद में दूंगा. नहीं नहीं, देखिए कभी कभी तो ये होता होगा कि ठीक है मैं रिप्लाई बाद में करूंगा, तो हो सकता है मिस हो गया होगा, हो सकता है आपके केस में. मैं जो हमारे कोर टीम मेंबर है ना, कोर टीम मेंबर जितने भी सीनियर है, मैं उनके मैसेजेस को रिप्लाई करता हूँ. एक्सेप्ट अभी अगर आपने पूछा होगा 3.0 कब लॉन्च हो रहा है, अगर ठीक है तो अभी आपको पता है सिचुएशन राइट. तो वहां पे अभी जैसे ग्रुप में भी कुछ लोग पूछते हैं, तो वहां पे सिचुएशन पता है, तो वहां पे भी मैंने रिप्लाई नहीं किया होगा. अदरवाइज आई थिंक मैं ट्राई करता हूँ, हो सकता है मिस हो गया होगा आपका मैसेज, लेकिन जितने भी कोर टीम मेंबर है, हाँ जो लोग, अब क्या होता है सब लोग मेरे नंबर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, अब छोटे छोटे इश्यूज में वो लोग हमको मैसेज करते रहते हैं, तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू रिप्लाई टू एवरी वन. लेकिन जो हमारे कोर टीम मेंबर है, मैं ट्राई करता हूँ, आपका मिस हो गया होगा लेकिन मैं रिप्लाई करता हूँ. मैं जितने भी आपने मेरे सारे मैसेज रिप्लाई कर रखा है, बट मैं जनरली बोल रहा हूँ, मैं कम से कम 1.5 साल से कांटेक्ट में हूँ, तो व्हाट्सएप हमारी चैट होती रहती है, बट समटाइम्स होता है कि मैंने आपको टेक्स्ट किया बट फिर आपने उसको सीन किया मेरे साथ. कोई ऐसा चीज होता है कि जो चीज मैंने पहले बोला होगा, अगर वो चीज फिर से रिपीट हो रहा है, तो हो सकता है मैंने नहीं रिप्लाई किया होगा. बट अदरवाइज मैं ट्राई करता हूँ कि जितने भी हमारे कोर टीम मेंबर, उनके मैसेज को मैं रिप्लाई करूँ. आई थिंक
मतलब अगर आप बोल रहे हैं तो मैं खुद सरप्राइज हो रहा हूं एक्चुअली. आई रियली अप्रिशिएट यू सर, लाइक हरी आप इंटेंशनली काफी एक्टिव. इंटेंशनली मैं सर रिप्लाई करता हूं जहां तक मेरा इंटेंशन है. ओके 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 ओके. सर डू यू रीड बुक्स? आई यूज्ड टू. अभी तो कुछ लास्ट एक साल से तो कम हो गया है, विच इज बैड. प्लीज अदर बाकी सब लोग, मैं सच बोल रहा हूँ, ऑनेस्टली आंसर कर रहा हूँ. एक साल से मेरा बुक रीडिंग बहुत कम हो गया. हालांकि मैंने बहुत सारे बुक खरीदे हैं लास्ट वन ईयर में भी, लेकिन मैं पढ़ा नहीं हूँ अभी लास्ट वन ईयर में. और मतलब एक साल से तो मतलब बहुत कम हो गया, हार्डली मतलब क्वार्टर ऑफ बुक है मैंने कंप्लीट किया लास्ट वन वीक में, विच इज लास्ट वन ईयर में, बट विच इज बैड. आई वॉन्ट टू, प्लीज डोंट टेक दिस एज एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू टेल दिस एवरी वन कि रीडिंग बुक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके एंड प्लीज, मैं भी पहले भी पढ़ता था राइट. लास्ट एक साल से मुझे बिकॉज माई अदर रीजन के वजह से मैं नहीं पढ़ पाया, लेकिन आप लोग इसको एक्सक्यूज नहीं बनाइए. जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं या आप मुझे सुन रहे हैं, ये मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि आपको बुक्स पढ़ना चाहिए. कोई एक बुक सर जिसने आपको आपके लाइफ में काफी ज्यादा इंपैक्ट कर रखा है? ओवरऑल ऑनलाइन बिजनेस आने से पहले 4 hours work week बहुत इंपैक्ट किया. 4 hours work week. ओके गॉट इट. एंड अभी ऑनलाइन बिजनेस वगैरह बोलिएगा, रिच डैड पुअर डैड बहुत इंपैक्ट किया है. और भी बहुत सारे बुक हैं, बट ये जनरल वे में रिच डैड पुअर डैड सबका फर्स्ट बुक है. मैंने देखा है, मेरे पहले कहता वही था. नो डाउट, लाइक वो बुक काफी काफी ज्यादा अमेजिंग है. ठीक है, तो मतलब एक 4 hour week. बिकॉज आपने जो बोला ना कि डिसीजन मेकिंग में जैसे बहुत सारी चीज होता है कि आप कैसे प्रोस्पेक्ट लेते हैं, मैं बहुत कुछ मैं बता रहा हूं, मैं रूल्स फॉलो करता हूं. ये रिच डैड पुअर डैड भी बहुत मुझे काम आता है एक्चुअली. मैं थिंग्स को मैं बहुत थ्योरेटिकल लेता हूं एक्चुअली. कोई भी प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकालने के लिए ना मैं बहुत थ्योरेटिकल वे में जाता हूं. आपका एटीट्यूड हमेशा ऐसा रहा कि ठीक है व्हाट नेक्स्ट, ओके फाइन ठीक है जो हो गया हो गया, व्हाट नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट. बिकॉज मैंने देखा आपसे बात कर रखा है ना कॉल पे, तो मैंने बताया प्रॉब्लम आपको, तो ओके ठीक है करते हैं देखते हैं. बस हो गया, तो बड़ा प्रॉब्लम है. तो इतना टाइम से सोच रहा था मैं तो. ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है. वेल सर, हम इस सेशन को ऑलमोस्ट करते हैं क्लोज. एक टेक अवे जो आप देना चाहते हो लोगों को इस सेशन से कि यार इसको तो माइंड में ले लो, आप लोग माइंड में ले लो कि आपको पॉजिटिव रहना है. ओके, चाहे जो भी काम कर रहे हो, ऑनलाइन बिजनेस में है या आप ऑनलाइन बिजनेस नहीं कर रहे, कोई भी जॉब कर रहे हैं बिजनेस कर रहे राइट, और मेहनत आपको करने से पीछे नहीं हटना चाहिए और पॉजिटिव वे में रहना है. निगेटिविटीज को जितना दूर रखिएगा, मतलब आप अगर कोई भी काम कीजिएगा ना, कोई भी काम आप एक पॉजिटिव स्टेप लीजिएगा, आपके पास 10 negativities आएंगे. आप अपने निगेटिविटीज को जितना दूर रखिएगा अपने से और पॉजिटिविटी पर फोकस कीजिएगा, आप आगे बढ़ेंगे. जो लोग जॉब करते हैं राइट, अगर आप जॉब कर रहे हैं, जो भी जॉब कर रहे हैं, आपको ये ध्यान रखना है कि आप वॉट एवर यू आर डूइंग राइट नाउ हमेशा आपको उससे बेटर करके देना. बिजनेस कर रहे हैं उसमें भी वही है, बिजनेस में भी कि आप अपने लिए जॉब कर रहे हैं राइट. तो हमेशा ये फोकस में रखिए कि मुझे जो भी मैं आज कर रहा हूं कल उससे बेटर करना है राइट. भले ही मुझे उसका रिजल्ट उतना नहीं मिल रहा, भले ही मुझे उतना सैलरी नहीं मिल रहा. अगर आप जैसे सैलरी अगर मुझे 50,000 मिल रहा है तो मैं 75,000 का जॉब करके दूंगा, मैं 80,000 का जॉब करके दूंगा राइट. अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, आपने 5,000 का कोई प्रोडक्ट बेचा है, आप उसको 10,000 का वैल्यू दीजिए. ओके, तो ये जो आपका माइंडसेट होगा ना, विच विल मेक यू टू ग्रो. एंड अगर आप ऑनलाइन बिजनेस में हैं, फोकस ऑन योर टीम, मतलब वैल्यू प्रोवाइड कीजिए, जितना ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड कीजिएगा. डोंट बॉदर अबाउट उसके रिटर्न में आपको क्या मिल रहा. रिटर्न इमीडिएटली नहीं मिलेगा, मुझे भी इमीडिएटली नहीं मिला था. मैंने 5 साल मेहनत किया, उसके बाद लीड सैक डेवलप हुआ और लीड सैक उसका वैल्यू जो मैं अपने टीम को उससे पहले लीड सैक से पहले हर ट्रेनिंग में फ्री प्रोवाइड करता था. तो जो मैंने जो पहले से जो फ्री में ट्रेनिंग प्रोवाइड करके जो टीम बनाया था, जिसके वजह से लीड सैक बना. और ये सब चीज के लिए, सबके लिए यही है. तो ऑलवेज बी पॉजिटिव, निगेटिविटीज को दूर रखिए. ओके, एंड आप कुछ भी कर सकते हैं, देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल, कुछ भी कर सकते हैं. लोगों को लगता है कि हाँ जो सक्सेस हो जाता है वो यही बात बोलता है. बिलीव मी, मैं जितना मतलब कि मैं जिस सिचुएशन में था ना, आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन उस सिचुएशन में भी मैं यही सोचता था जो मैं आज आपको बता रहा हूं. ऑलराइट, तो मतलब आपको पॉजिटिव रहना है. एंड टाइम चेंज होता ही है, चाहे आप जितने भी बुरे सिचुएशन में कहीं नहीं हो, टाइम चेंज होता है. बस आपको पॉजिटिव रहना है, मेहनत करना है जो आपके हाथ में, राइट. डू व्हाट इज इन योर हैंड, इंप्रूव एवरी डे
एंड यू विल गेट सक्सेस दैट्स इट एकदम आखिरी में एकदम मोटिवेशनल स्पीच हो गई सर ये सर मेरा लास्ट क्वेश्चन ये कि आपकी मेरा बेटा मुझे बोल मेरा बेटा मुझे बोलता है कि आप तो बाबा हैं सर आपकी जर्नी में सबसे ज्यादा किसने आपका सपोर्ट कर रखा है लाइक आप किसको दोगे कि हाँ ये मैं ये स्ट्रेंथ देता हूँ इनको नन अदर देन माय फैमिली माय वाइफ माय सन ऑफ कोर्स मेरे पेरेंट्स मेरे ब्रदर्स फैमिली तो पूरा ही होता है हाँ. लेकिन जो मेरे वाइफ और मेरे सन जो मुझे सपोर्ट किया है क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना मैं बहुत बुरे सिचुएशन में था 6-7 साल पहले मतलब मैं अगर किसी को बोलूँ आज तो वो बिलीव नहीं करेगा सच में ये लगेगा मजाक जैसा लेकिन मैं मुझे जब मेरी वाइफ बोलती थी कि घर में सामान ये लाना है मतलब फॉर एग्जांपल राइस वेजिटेबल सब लाना है तो मैं सोचता था कि मैं 1 वीक का नहीं अभी 1 डे का मैं लेके आऊँगा कल का कल देखेगा आई वॉज इन दैट सिचुएशन और उस सिचुएशन में मेरी वाइफ और मेरे बेटे ने बहुत सपोर्ट किया मेरे मुझे जो शायद ही कोई करेगा तो मतलब ऑफकोर्स जो भी लीड्स आ रखा है वो टीम की वजह से है लेकिन अगर मुझे पर्सनली सपोर्ट की बात की जाए टीम मेंबर ने सपोर्ट किया है लेकिन जो होता है कि आपको बुरे वक्त में जो इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है हाँ बुरे वक्त आपको फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ओके आप जो भी करते हैं अपने फैमिली के लिए करते हैं तो डेफिनेटली मैं इस भले ही मैं सब कुछ क्रेडिट टीम को दूँ सब चीज़ को दूँ लेकिन यहाँ पे अगर आप ये पूछें कि मुझे सपोर्ट की जहाँ तक बात है टीम मेंबर ने भी सपोर्ट किया ऑफकोर्स लेकिन जो मेरे वाइफ और मेरे मेरे बेटे ने मुझे सपोर्ट किया है वो मैं क्या बताऊँ मैं मतलब बता नहीं सकता ऐसा सिचुएशन था वो लोग जो अभी वीडियो देख रहे हैं जो लोग नहीं जानते लीड्सार्क के बारे में उनके लिए कुछ वर्ड्स और वो लोग जो ऑलरेडी लीड्सार्क कर रहे हैं उनके लिए कुछ वर्ड्स ओके तो जो लीड्सार्क के बारे में नहीं जानते उनके लिए कि अगर आप नहीं जानते हैं तो लीड्सार्क आपके लिए एक सोल्यूशन है जो आपको ऑनलाइन बिजनेस में सक्सेस बना सकता है प्रोवाइडेड आप सीखने के लिए तैयार हैं अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं प्रोसेस फॉलो करने के लिए तैयार है जो सिखाया जाए तो आपको ऑनलाइन बिजनेस में सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता राइट आपने हो सकता है अगर आप जाके सर्च करेंगे कुछ आपको निगेटिव सुनने को मिले कुछ पॉजिटिव सुनने को मिले निगेटिविटी पे फोकस मत कीजिए 60,000 टीम मेंबर्स ऐसे ही नहीं बनता हमारे पास 60,000 टीम मेंबर्स है ऑलराइट एक दो लोग को मैं धोखा दे सकता हूँ 60,000 लोगों को धोखा नहीं दे सकता राइट सोचने वाली बात है तो हमारा प्लेटफॉर्म वन ऑफ द बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है आई विल से द बेस्ट प्लेटफॉर्म लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो आपको सीखने को मिलता है कि आप कैसे ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं कैसे सक्सेसफुली ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं कैसे किसी प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं तो लीड्सार्क एक ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है जहां से आपको नॉलेज मिलता है और एक एक स्टेप एक रास्ता मिलता है आपके लिए एक पाथ क्रिएट होता है जिस पे आप खुद चल के नहीं लोगों का हाथ पकड़ के आपको गाइड करने के लिए भी लोग हैं राइट आप चल के सक्सेस को अचीव कर सकते हैं और जो लोग लीड्सार्क कर रहे हैं ऑलरेडी उनको मैं ये बोलना चाहूँगा कि प्रोडक्ट पे ज़्यादा ध्यान दीजिए लर्निंग पे ज़्यादा ध्यान दीजिए डोंट सेल दिस एज जस्ट लाइक ए बिजनेस अपॉर्चुनिटी ओके फोकस कीजिए अगर आप प्रोडक्ट पे हो सकता है आपको लगता हो कि नहीं उससे सेल्स करना डिफिकल्ट है थोड़ा डिफिकल्ट होगा लेकिन आप जब इसको सीख जाएंगे आप इसको करने लगेंगे ना ये लॉन्ग टर्म राइट अगर आप गलत प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा तो ये शॉर्ट टर्म आपको बेनिफिट देगा लॉन्ग टर्म नहीं देगा ओके अगर आप ऑलरेडी कुछ सेल्स कर चुके हैं तो अपने टीम पे फोकस कीजिए क्योंकि आपका टीम ही आपका टेस्टिमोनियल्स है और उसके वजह से ही आपको सेल्स मिलेगा ऑलराइट सो फोकस ऑन प्रोडक्ट फोकस ऑन लर्निंग आप खुद सीखेंगे लोग गलत वही सेल करते हैं जो खुद नहीं सीखते हैं अगर आप सीखिएगा तो आपको पता होगा कि लीड्सार्क में है क्या तो कोर्सेज को अटेंड कीजिए मल्टीपल टाइम्स यहां से सीखिए प्रोसेस को फॉलो कीजिए और ये लोगों को बताइए कि यहां इनको क्या सीखने को मिल रहा है तब आप प्रोडक्ट को अच्छे से सेल कर पाएंगे और जब आप सेल करते हैं तो डोंट लीव योर टीम इज योर स्ट्रेंथ अपनी टीम को गाइड कीजिए अपनी टीम को सपोर्ट कीजिए क्योंकि वो अगर लीड्सार्क खरीद भी रहे तो आप पे भरोसा करके खरीद रहे हैं राइट सो डोंट लेट योर टीम डाउन ओके क्योंकि तब उनको बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है भले ही हो सकता है बहुत सारे लोग हैं जो उसके बाद भी करते हैं लेकिन उनको फ्रस्ट्रेशन होता है तो अपने टीम को डोंट लीव योर टीम दैट्स व्हाट आई कैन से टू ऑल लीड्सार्क टीम मेंबर्स वाओ सर लिटरली इट वाज अ ब्यूटीफुल कॉन्वर्सेशन मुझे रियली बहुत अच्छा लगा मैंने कभी आपसे इतना देर तक बात नहीं किया एंड मेरे तो कुछ तो मेरे क्वेश्चन थे जो लिटरली मैं ही पूछना चाहता था आपसे कि हाँ इसका आंसर बताओ ठीक है तो मैं तो बहुत एक्साइटेड था और लिटरली सेशन काफ़ी ज़्यादा था आपको कैसा लगा बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके
एंड आपके थ्रू आपके ऑडियंस को मतलब एक तरह से इंट्रैक्शन ही होगा एंड होप आपके ऑडियंस इसको पसंद करेंगे, उनको कुछ सीखने को मिलेगा राइट और मुझे बहुत अच्छा लगा इस सेशन को आपके साथ ये इंटरेक्ट करके. या गाइस डू लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपको कैसा लगा एंड यस डू फॉलो आयास सर. मैं सारे इंस्टाग्राम के हैंडल्स लीड्स आयास सर के मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में. डू फॉलो एंड या हैप्पी लर्निंग. बाय बाय. थैंक यू सो मच. थैंक्स एंड इट वॉज ग्रेट ग्रेट सेशन एंड ग्रेट इंटरेक्शन विद यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच आयास सर. थैंक यू. बाय बाय. टेक केयर.